सेहत है तो सब कुछ है। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुमन गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसका रिलेशन आपकी स्माइल से है, एक सच्ची और हेल्दी स्माइल से, जिसका नाम है मुस्कान की स्माइलिंग। दोस्तों, टीथ इरोजन क्या होता है, क्यों होता है और इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है, ये जानकारी देने के लिए हमसे जुड़ गए हैं जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर अनिल अरोड़ा। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो मुस्कान। Thank you very much for inviting me to your show. Doctor साहब, ये बताएं कि teeth erosion होता क्या है और उसके वजह क्या होते हैं? Tooth erosion actually जो दांत का enamel वगैरह जो निकल जाता है किसी न किसी acid attack की वजह से, उसे tooth erosion कहते हैं। उसकी काफ़ी वजहें हैं। जो common वजहें हैं वो हैं कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ जैसे जिसमें citric acid हो वो कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से होता है। लोगों को जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से होता है। जिनको वॉमिटिंग का ज़्यादा चांसेस होते हैं उसकी वजह, बेसिकली जो भी कारण से मुंह के अंदर एसिड बन सकते हैं उसकी वजह से टूथ इरोजन होता है। तो डॉक्टर, क्या हम ये कह सकते हैं कि टीथ इरोजन से टीथ सेंसिटिविटी भी हो सकती है? हो सकती है टूथ इरोजन की वजह से, क्योंकि ऊपर का लेयर जो दांत का होता है इनैमल, जिसको घिसने के बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है डेंटिन, वो एक्सपोज हो जाती है। जो डेंटिन का लेयर होता है वो काफ़ी लोगों में सेंसिटिव रहता है। डॉक्टर, टीथ इरोजन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है इंडिया में? ट्रीटमेंट उसका जो रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है टूथ इरोजन का, पहले वो देखना होगा। जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा आदत है किसी भी एसिडिक खाने पीने की, वो थोड़ा सा कम करना होगा। चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट करती है, वो थोड़ी सी कम करनी होगी। काफ़ी लोग की आदत होती है बीच बीच में खाने के बीच में बहुत ज़्यादा स्नैक्स कंज्यूम करने की जो एसिड क्रिएट करते हैं मुंह में, वो कम करना होगा। अब जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है, जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी किसी को एसिड रिफ्लक्स जिसको कहते हैं हम, जिसको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और मुँह में एसिड आ जाता है, अगर वो प्रॉब्लम है तो उनको वो अपनी एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहिए। वॉमिटिंग का जैसे मैंने आपको बताया, उसका रीज़न क्या है, काफ़ी लोगों को आदत है बहुत ज़्यादा खा लिया उसके बाद में वॉमिटिंग कर देते हैं ताकि अपना वेट मेंटेन करें, उन लोगों में इरोजन होने के चांसेस बहुत होते हैं। और फिर और मेडिकल रीजंस है, डायबिटिक्स में इरोजन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। और कुछ लोगों में जो सलाइवा है आपका मुँह में, जो आपके मुँह में पानी होता है, वो कम होने के कारण ऑटोमेटिकली मुँह के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशंस अगर हैं आपके, जैसे मैंने कहा डायबिटीज़ है, कुछ मेडिसिंस हैं एंटी हिस्टामिनिक्स जो एंटी एलर्जी की मेडिसिंस रहती हैं जो नेचुरली मुंह को ड्राई कर देती हैं, वो चीज़ों की वजह से भी ये इरोजन हो जाता है। और ये चीज़ें अगर कम हो जाएं तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉब्लम उसमें सॉर्ट आउट हो जाता है। बाकी ये रहा प्रिवेंटिव पार्ट, जो ट्रीटमेंट है, मेरे पास अगर कोई इरोजन के साथ आता है तो उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन से स्टेज पर वो मेरे पास आ रहा है। शुरुआत के स्टेज में आया तो मुझे सिर्फ छोटा सी फिलिंग करनी है उस पर, उस जहाँ पर इनामल निकला हुआ है उसको कवर कर देना है प्रोटेक्शन के लिए। प्रॉब्लम जैसे ही बढ़ता गया, किसी एक सरफेस को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया, जैसे कि आउटर सर्फेसेज ऑफ टीथ काफ़ी जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, उनमें फिर विनियर्स लगते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो तो उसके ऊपर कैप्स लगती हैं। तो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे उनको हमने ट्रीटमेंट शुरू किया है। डॉक्टर, टीथ इरोजन को पूरी तरह से टाला जा सकता है या इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? अगर किसी आदत की वजह से है, जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स हैं और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी है, एसिडिटी की चीज़ें लेने की बहुत ज़्यादा आदत है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो नींबू पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, अब उनसे रिकमेंड यही करते हैं कि आप डायरेक्ट मत पीजिए, स्ट्रॉ के थ्रू पीजिए, तो चांसेस एसिडिटी के दांतों के ऊपर इफेक्ट करने के बहुत कम हो जाते हैं। अगर सलाइवरी फ्लो आपका कम है, नेचुरली फ्लो है कम है, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपका सलाइवरी फ्लो कम है, तो हम एक नॉन शुगर च्यूइंगम सजेस्ट करते हैं जिसमें ज़ाइलिटॉल होता है, जिसकी वजह से नेचुरली जब ये आप च्यू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो मुंह के अंदर पानी का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही वो फ्लो बढ़ता है एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। कैल्शियम बेस्ड कुछ चीज़ें अगर आप लेते हैं जो
एल्कलाइन है तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो जैसे आप दूध लेंगे तो दूध ऑटोमेटिकली एसिडिटी को मुंह के अंदर कम कर देता है। डॉक्टर, टीथ इरोजन के क्या क्या कारण है? क्या मेडिकल वजह से भी ये हो सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको दो तीन बताए, डायबिटीज में टूथ इरोजन के चांसेस होते हैं, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स में होते हैं, बुलीमिया में होता है, कुछ मेडिसिन की वजह से होता है, और काफ़ी जो स्ट्रेस में रहते हैं लोग उनके मुंह में ज़रा एसिडिटी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी होता है। डॉक्टर, अगर किसी पेशेंट ने टीथ इरोजन के लिए ट्रीटमेंट ली है तो ट्रीटमेंट के बाद उसका फॉलोअप कितना ज़रूरी होता है? कोई भी ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में 1 in 6 months एक बार फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है, देखने के लिए कि कहीं वो प्रॉब्लम और बढ़ तो नहीं रहा है या उसी स्टेज पे है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है इरोजन। ये एक बार दांत पर दांत का इनामल चला गया तो वो अपने आप इनामल आने वाला नहीं है। बॉडी में बहुत कम ऐसे पार्ट्स हैं जो फिर से ग्रो नहीं होते हैं, उसमें से इनामल एक है। आपके सेकेंड पार्ट डेंटिन भी ग्रो होता है, बोन ग्रो होता है, स्किन ग्रो होता है, लेकिन दांत का इनामल ग्रो नहीं होता है। तो डॉक्टर, ट्रीटमेंट के बाद आप अपने पेशेंट्स को कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन या डाइट प्लान रेकमेंड करते हैं? स्पेसिफिक डाइट रेकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डाइट अवॉइड करने के लिए डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ में शुगर ज़्यादा हो, एसिडिटी ज़्यादा हो, एसिडिक ज़्यादा हो, टू मच ऑफ स्नैकिंग जो बिटवीन मील्स होता है, और आपका जो ओरल हाइजीन है जिसको आपको ध्यान रखना है वो बहुत ज़रूरी है इसमें। डॉक्टर, क्या रोज माउथ वॉश करना ज़रूरी होता है? रोज माउथ वॉश किसी फ्लोराइड बेस्ड माउथ वॉश से किया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर टूथब्रश आपका पहुँचता नहीं है और माउथ वॉश सभी जगह पर पहुँच जाता है, और फ्लोराइड के कारण कैविटी प्रिवेंशन में भी काफ़ी मदद करती है। जहाँ तक आप किसी एंटी इन्फेक्टिव माउथ वॉश नहीं यूज़ करें, सिर्फ फ्लोराइड बेस्ड सिंपल माउथ वॉश यूज़ करें, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है डे टू डे यूज़ में। डॉक्टर, बच्चों का पहला डेंटल चेकअप किस उम्र में किया जाना चाहिए? अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री तो ये रिकमेंड करती है कि आपको जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, या 6 महीने पहला दांत जब निकलता है उसके 6 महीने के बाद। जनरली बच्चों के दांत 6 से 7 महीने में शुरू हो जाते हैं निकलने, उसके 6 महीने के बाद, तो 1 से 1.25 साल के बीच में डेंटल चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर, देखा जाए तो आजकल के बच्चों में कैविटीज और अन्य डेंटल प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसका मेन रीज़न तो ये है कि आजकल की डाइट जो है वो काफ़ी सॉफ्ट डाइट हो चुकी है। हमारी डाइट में फाइबर या रॉ फूड्स या फ्रूट्स कम हो गए हैं, जंक फूड बढ़ गए हैं। आप पिज्ज़ाज, बर्गर्स, ये कोई भी सॉफ्ट चीज़ें जो हैं या आप जो आप कंज्यूम करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, कोलाज हैं, ये सभी दुश्मन हैं आपके दांतों के। अब ये चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल का जो लिविंग स्टाइल ऑफ लिविंग है, जो हेल्दी लिविंग रहा नहीं है स्पेशली सिटीज़ में, तो जब तक वो डाइट कंट्रोल नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम तो बढ़ने ही वाला है। डॉक्टर, जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ वैल्यूएबल टिप्स दें ताकि उनके दांत हमेशा स्वस्थ रहें। सबसे बड़ा जो इसमें योग्य होता है वो है आपका खुद का ओरल हाइजीन, यानी कि आपको ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश रेगुलरली यूज़ करना है, जिसके कारण इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ये हार्डवर्क के लिए आप कुछ इसका शॉर्टकट नहीं ले सकते। दूसरा, आपका डाइट कंट्रोल, शुगरी फूड्स आप थोड़ा सा कम कीजिए, टी कॉफ़ी अगर लेते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तो उसमें दूध थोड़ा ज़्यादा डालिए, मिल्क बेस्ड या कैल्शियम बेस्ड चीज़ें ज़्यादा लीजिए जो नेचुरली आपके बोन्स को, टीथ को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं, स्पेशली अगर वो बचपन में ली जाएँ तो। ये सब चीज़ों के वजह से आपका वैसे ही ओवरऑल ओरल हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है। 6 monthly विजिट टू अ डेंटिस्ट वो एकदम ज़रूरी है ताकि आपका टीथ मेंटेन रहे, ऑटोमेटिक चेकअप भी हो जाता है और आपकी क्लीनिंग भी करा सकते हैं उस समय। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग टू आवर शो। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी हमें टीथ इरोजन के बारे में। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दर्शकों को इनमें से कुछ टिप्स उनके काम में आएंगी और ये इनके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फायदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी मुस्कान के अगले एपिसोड में, दांतों के विषय को लेकर और कई समस्याओं के साथ। टिल देन यू टेक केयर, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।